14 दिन बाद हो जाएगा सदी का सबसे बड़ा काम, क्या राम मंदिर से पहले ही अखंड भारत का ऐलान। इधर वन नेशन वन इलेक्शन में फंसा रह गया विपक्ष, उधर मोदी ने कर दिया सिस्टम हैंग। हो गया सिद्ध, मोदी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आधी रात योगी के साथ मोदी करने वाले हैं सबसे बड़ी मीटिंग, हो गया खेल, अब पूरी रात नहीं सो पाएगा इंडिया वाला गठबंधन। कहने लगे देशवासी, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की नहीं। तो वीरेंद्र सहवाग ने भी दिखा दी 56 इंच की छाती, कह दिया अब चाहिए हमें भारत। अगर आप भी चाहते हैं देश का नाम भारत हो तो वीडियो को कर दे शेयर। पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया में मोदी मोदी की गूंज हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये मुकाम ऐसे ही हवा में हासिल नहीं किया, इसके लिए वो दिन रात एक कर पैर पर खड़े होकर काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नाम आता है प्रभु श्री राम के राम मंदिर का, एक ऐसा अनोखा अद्भुत और भव्य मंदिर जिसकी चर्चा अभी से विदेशों में जमकर हो रही है। जहां एक ओर लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और यूपी के सीएम के बीच एक बैठक ने सभी का ध्यान अचानक से अपनी तरफ खींच लिया। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस मुलाकात में प्रभु राम के ये दोनों भक्त ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अंदर की खबर ये कि मुलाकात कल शाम हो सकती है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस मुलाकात में अहम चर्चा हो सकती है। पूरे भारत के और प्रभु श्रीराम के भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि अगले साल यानी 2024 जनवरी में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की क्या क्या तैयारियां होंगी, उन्हें कैसे किया जाएगा, क्या क्या इंतजाम होंगे, तमाम बातों की चर्चा के लिए भी बीते 24 अगस्त को जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। ये बैठक अयोध्या के मंडलायुक्त कार्यालय में की गई थी। इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हर बिंदु पर बात की। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक के एजेंडा में बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। ऐसी उम्मीद है कि इस भव्य समारोह में शामिल होने जा रहे 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए कार, बाइक, बस आदि की पार्किंग समेत उनके खान पान और साफ सफाई की व्यवस्था पर चर्चा की गई थी। देश के प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इतना भारी भीड़ के प्रबंधन को कैसे और किस स्तर पर मजबूती प्रदान की जाएगी, इस बात पर चर्चा हुई। आपको ये भी बता दी कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अगले साल होने वाले इस कार्यक्रम के लिए औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और साथ में अन्य अतिथियों की सूची तैयार करना भी शुरू कर दिया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की माने तो देश भर में साधु संतों और अति विशिष्ट जनों सहित लगभग 1 लाख से अधिक भक्तों को इस उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन अतिथियों के लिए व्यवस्था भी देखेगा। इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अलावा मंडल आयुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण अय्यर और अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह शामिल हुए। आप ये भी जान लीजिए कि अभी हाल ही में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रसारण परिवार सहित अयोध्या आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रभु श्रीराम लला के दर्शन किए। राम मंदिर मामले में कोर्ट में चले लंबे मुकदमे में उनका अहम रोल है। राम मंदिर के लिए मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से विशेष रथ के जरिए 4.25 फीट ऊंचा शिवलिंग भी अयोध्या लाया गया है। इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के परिसर में शिवलिंग में की जाएगी। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि 7 जनवरी में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह किया जाएगा। इस भव्य समारोह के लिए एक साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाएं और वीडियो को राम भक्तों तक जरूर पहुंचाएं।